यूरोप में करीब 8 लाख वर्ष पूर्व आदिमानव अपने प्रतिदिन के भोजन के रूप में मानव मांस खाकर बच्चों के मांस का भक्षण करते थे। स्पेन में मिले हड्डियों के जीवाश्म के अध्ययन से यह खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों को ग्रानडोलिना की गुफा से बिजोन, हिरण, जंगली भेड़ और अन्य जीवों की हड्डियों के साथ ही बच्चों और किशोरों के भी कटे हुए अवशेष मिले हैं। डेली मेल ने खबर दी है कि अनुसंधानकर्ताओं को हड्डियों पर कटने या अन्य चोट के निशान मिले हैं जो प्रस्तर के हथियारों के वार से पड़े होंगे। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि हड्डियों के बीच की मज्जा को निकालने का प्रयास किया गया है और इस बात के भी प्रमाण है कि उनके मस्तिष्क को भी खाया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आदिमानव ने अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने एवं अपने शत्रु पड़ोसियों से निपटने के लिए दूसरे लोगों की हत्या की।